ये मटरेबुल है, चलो तुम गाड़ी में बैठ के जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहीं उतार के तुम बोलते मटरेबुल कर। एक साथ तुम छोड़ दोगे उसको। जिम्मेदारी समझ लिया, पिताजी का जिम्मेदारी है पूरा बेगूसराय तुम लोग का। भलाई करेगा जी, तो साल भर के बाद भलाई करोगे? अब तो साल भर तो रहेगा रोड कहाँ लिखा हुआ बताइए ना, साल भर के छोड़ देगा और रोड में आपको ले चल, आपको शर्म आएगा। आपको तो अपना काम करना है, इनकम टैक्स करेगा लूटने के लिए आए। मैं यही इंतजार में हूँ कि दूसरा कोई कर देगा। शर्म लाल धो दिए मैं क्या खोज रहे हो, यही ना क्या वो चौक पर खींच खींच के मारना शुरू करे हम गहरा। एक साल से क्या जवाब है इसका, एक जवाब बताओ हमको, कोई जवाब है बताओ ना। एक साल से छोड़े हुए किस लिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। एकदम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बरसात के पहले, जिसके पास जाना होगा चले जाना। हमको उस रूप में मत देखने का प्रयास करो जिस रूप में माना नहीं चाहते, तब आगे देखो। एक साल से छोड़े हुए और ये हैं बेगूसराय नगर के विधायक कुंदन कुमार सिंह, और इन्हें अपने जनताओं से कई बार सूचना मिली थी कि क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। फिर इन्होंने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि वर्षों से इनके संवेदक इस सड़क को लेकर संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन है, और फिर वो निकल पड़े अपने काफिले के साथ। हालांकि जब वो स्थानीय हकीकत जानते जानते उन सड़कों पे पहुंचे तो देखते ही देखते फरक गए। हालांकि उनके साथ उस समय संवेदक और संबंधित पदाधिकारी भी थे, और सबों के सामने उन्होंने जमकर खड़ी खोटी सुनाई, क्योंकि सामने अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बेगूसराय नगर विधायक का अधिकांशतः भाग जो है वो शहरी है, और शहर के लोगों में लोगों को रहने के लिए व्यवस्थाएं शहर वाली, लेकिन सड़क गड्ढों में तब्दील है, नालों में तब्दील है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर अपने काफ़ी तल्ख तेवर में नजर आए नगर विधायक, और उन्होंने कड़े शब्दों में संवेदक को यह भी कह डाला कि आप हमें उस रूप में मत देखना शुरू करो क्योंकि मेरे और भी कई रूप हैं। हालांकि इस समय अधिकारी भी संबंधित संवेदक को डांट सुनाते हुए नजर आए। अब देखते हैं कि क्या एक बार फिर इन सड़कों का कायाकल्प होता है, लोगों की सुविधा मिलती है, या फिर संवेदक संवेदनहीन बने रहेंगे।